ठीक है, तो आज की जो भी हमारे साथ जुड़े हैं इस ट्विटर स्पेसिस में, आप सबका स्वागत करना चाहूंगी आज की इस चर्चा में. आज की यह चर्चा हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों, खासकर उसमें हुए चुनाव को मीडिया द्वारा कवर करने के चैलेंजेस, जमीनी हकीकत और अनसुनी आवाजों के बारे में है. चर्चा शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मेरा नाम मानसी वर्मा है. मैं पेशे से वकील हूँ, लेकिन चुनावी खबरों पर खास नजर रहती है मेरी. मैंने भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इलेक्शंस कैंपेन और स्ट्रेटजीज में काम किया हुआ है, इसलिए इसमें मेरी खास रुचि है. इसके साथ ही मैं वन वोट प्रोजेक्ट का भी छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. वन वोट प्रोजेक्ट के द्वारा ही यह चर्चा आज आयोजित करी गई है. वन वोट प्रोजेक्ट एक पहल है चुनावों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी करने की. वन वोट प्रोजेक्ट सार्वजनिक चर्चा और शोध के माध्यम से नागरिकों में चुनाव और टेक्नोलॉजी के संगम के बारे में क्रिटिकल अवेयरनेस लाने की एक कोशिश है. आज की यह चर्चा खबर लहरिया के साथ है. वैसे खबर लहरिया को इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमारे साथ जुड़े लोगों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं पेश करती हूँ. खबर लहरिया भारत का एकमात्र एथिकल और स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट ग्रामीण न्यूज ब्रांड है, जो केवल महिलाओं द्वारा चलाया और संभाला जाता है. आज लगभग 1 करोड़ लोग हर महीने अलग अलग डिजिटल माध्यम और सोशल मीडिया के द्वारा खबर लहरिया से जुड़ते हैं. 25 महिला पत्रकारों द्वारा वीडियो के माध्यम खबर लहरिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लगभग 16 दूर दराज और ग्रामीण जिलों में न्यूज पहुंचाने का काम करता है. आज खबर लहरिया से हमारे साथ मीरा और कुमकुम जुड़ी हैं. ये भी खबर लहरिया की मैनेजिंग एडिटर हैं. मीरा के पास 14 साल से भी ज्यादा का अनुभव है ग्रामीण मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने का, और खासकर कानूनी मुद्दों और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उनकी स्पेशलाइजेशन है. उनकी कुछ खास रिपोर्ट्स में शामिल है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सरकार का टीबी के खिलाफ जंग से मुंह मोड़ लेना. मीरा हर दूसरे हफ्ते एक शो भी करती हैं जिसका नाम है राजनीति रस राय. कुमकुम खबर लहरिया के साथ जुड़ी हुई एक सीनियर पत्रकार हैं. उनके पास 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है युवाओं के मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने का. कुमकुम खबर लहरिया की यंगेस्ट पत्रकार भी हैं और अयोध्या उत्तर प्रदेश में रहती हैं. आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि चर्चा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी, लेकिन ज्यादा हिंदी का उपयोग होगा. हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव आम भी थे और खास भी थे. आम क्योंकि हर चुनाव में कुछ मुद्दे होते हैं जिन पर राजनीतिक दल एक दूसरे से भिड़ते हैं, जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं, फिर कोई जीतता है और कोई हारता है. लेकिन इस चुनाव में खास ये था कि तीजे चौंकाने वाले रहे. कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का असर चुनाव पड़ा भी और नहीं भी पड़ा. सांप्रदायिक और भड़काऊ भाषणों का बोलबाला था. कुछ जगहों पर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े गए और कुछ जगहों पर राष्ट्रीय और सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव लड़े गए. कोविड महामारी को कुछ लोगों ने याद रखा और काफी लोगों ने भुला दिया, खासकर उत्तर प्रदेश में. तो यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हुए मैं मीरा और कुमकुम दोनों से पूछना चाहूंगी उनके अनुभव के बारे में. चुनावों को कवर करते हुए उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, मतदाताओं से क्या बातें हुई, खासकर उत्तर प्रदेश में क्या माहौल था, लोगों में चुनाव को लेकर कैसी चर्चा होती थी, किन मुद्दों पर बहस होती थी, और क्या कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जो नेशनल मीडिया ने कवर करे ही नहीं लेकिन खबर लहरिया के माध्यमों तक पहुंचाए गए. तो मीरा पहले आप और फिर कुमकुम. हेलो. हाँ जी मीरा, हम आपको सुन सकते हैं. थैंक यू मानसी आपको. मैं यहाँ पर आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. आपने बात करी है चुनाव की, और अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो उसको लेकर के हमने बहुत अलग ढंग से भी कभी हमने अपनी कवरेज को इस सोच के साथ ही हमने कवरेज किया कि खबर लहरिया की
कवरेज कैसे अलग हो सकती है, वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी रिपोर्टिंग है जो बाकी मीडिया से बहुत अलग है, जो सिर्फ और सिर्फ खबर लहरिया की रिपोर्टिंग है। तो इसके लिए हमने प्लान किया था कि जो महिलाओं की आवाजें हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं से महिलाओं के बारे में किस तरह से चुनाव के माहौल पे बात की जाती है, क्या उनके मुद्दे शामिल किए जाते हैं, या महिलाओं के मुद्दों को भी विकास के मुद्दे से जोड़ दिया जाता है, क्या कभी इस तरह सोचा जाता है कि महिलाओं के भी क्या मुद्दे हो सकते हैं, यही नहीं कि सिर्फ एक उज्ज्वला योजना ही है जो क्योंकि महिलाओं को महिलाएं ही हैं जो रसोई संभालती हैं, और फिर उसको किस तरह से स्वास्थ्य से जोड़ करके और उसको पेश किया जाता है एक लक्ष्य के तौर पे, बड़े बड़े पैमाने पर ये कहा जाता है कि मतलब आप समझ सकते हैं ना कि इतना बड़ा टारगेट पेश किया जाता है, इतना बड़ा लक्ष्य पेश किया जाता है, एक आंकड़ा पेश किया जाता है जिसको सुन करके बहुत अच्छा लगता है कि लाखों में करोड़ों में वो संख्या जब गिनी जाती है तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसकी जमीनी स्तर की बात की जाए, उसकी जमीनी सच्चाई की जाए तो कुछ सच्चाई आती है। तो मैंने एक उदाहरण के रूप में एक योजना की नाम लिया, लेकिन बहुत सारे मुद्दे थे, चाहे वो आप बेरोजगारी को ले लीजिए, चाहे वो आप शिक्षा को ले लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य को ले लीजिए, चाहे महंगाई को ले लीजिए, चाहे आप महिला सुरक्षा और सुरक्षा के लीजिए, इन सारे मुद्दों पर उस तरह से बात होती नहीं थी। हाँ, जब प्रचार प्रसार होता था, जब कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार प्रचार के लिए जाते थे, जब अनुमति मिल गई थी उसके बाद, पहले तो बहुत इसको टेक्नोलॉजी कर दिया गया था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि कोविड है और कोविड के नियमों को फॉलो करना है, इसलिए जो कि मतलब कि गांव-गांव जाना था और लोगों से मिलना था और एक प्रचार करना था, वो शायद पहले नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में हुआ। फिर भी उन्हीं पर बात की गई जो पहले से काम का है, जिनके आंकड़े पहले से ही बनाए हुए हैं, वही लोगों के बीच में प्रस्तुत करना, वही बातें करना। हमने भी जब इस पर प्लान किया कि हम महिलाओं की आवाजों को, महिलाओं के मुद्दों को शामिल करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार महिलाओं के लिए मतलब मतदाता हैं जो, और जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं या सरकारें हैं, वो इसको किस तरह से, महिला मुद्दा को किस तरह से लेती हैं। तो जब हम बात कर रहे थे महिलाओं से कि उनके मुद्दे क्या हैं, तो वह भी बात कर रहे थे कि उनके यहाँ विकास नहीं है, उनके यहाँ आवास नहीं है, उनके यहाँ मतलब राशन कार्ड नहीं है, या जो भी मतलब आम जैसे विकास की बात की जाए, वही बात हो रही थी। ना कि उन्होंने, जब हम बार बार इस सवाल को करते हैं कि आपके क्या मुद्दे, मतलब महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात क्या करें, और उनको लग रहा था कि हम कैसे सवाल कर रहे हैं, ये सवाल है क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी ना कि इस पर ज्यादा ना तो जागरूकता है, ना इसके बारे में सोचा जाता है, ना कहा जाता है, ना लोगों के बीच में समझाया जाता है। और महिलाओं के तो बात ही आप छोड़ दीजिए, जो ग्रामीण है, गांव में रहते हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी का कोई माध्यम नहीं है, मतलब कि आप समझ लीजिए जो स्मार्टफोन है, आप कह तो रहे हैं कि अब गांव-गांव में भी हर हाथ में स्मार्टफोन हो गया है, लेकिन ये स्मार्टफोन है किन के पास? और अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, डेटा नहीं है, बिजली नहीं है, तो फिर ये महिलाएं कैसे जानकारी पा पाएंगी? अगर फोन है तो पुरुषों के हाथ में है, लड़कियों के हाथ में फोन नहीं है। और यहाँ तक सिर्फ चुनाव ही नहीं, उस दौरान मतलब जब से कोविड आया तब से सब लोग टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। शिक्षा भी टेक्नोलॉजी की तरफ है, उसको मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा कर दी गई है। और इस सब के लिए फोन का होना, डेटा का होना बहुत जरूरी है। और
मैं वही बात करूंगी क्योंकि मैंने इस पर कवरेज किया है, मैंने बात करी है लड़कियों से, महिलाओं से, जब कोविड आया था और उसके बाद भी, मतलब जब चुनाव भी था, तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर बात नहीं हुई, ये सारे मुद्दे इन पर बात नहीं हुई है, बहुत मुद्दे छूट गए हैं। अगर बात होती थी तो चुनाव की बात होती थी, कहाँ पर किस तरह से चुनाव चल रहा है, कौन किसके टक्कर में है, कौन, मतलब बहुत जो एक सच्ची राजनीति की बात होना चाहिए, जिस सच्चे चुनाव की बात होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव की बात होना चाहिए, वो शायद नहीं हो पा रहा था और हमने उनको कैद किया। धन्यवाद मेधा, आपकी एक एक बात से ऐसा मुझे ध्यान आया, ख्याल आया। मैंने भी जैसे पहले किसी सेमिनार में ऐसा कहीं पे सुना था कि अक्सर जब महिलाएं वोट देने जा रही हैं, और शायद इसके ऊपर कुछ स्टडीज भी हुई है, रिसर्च में भी ऐसा आया है, या और अगर आपके इस पे कुछ विचार हैं तो मैं जानना चाहूंगी। ऐसा माना जाता है कि घर के पुरुष जो डिसाइड करते हैं किसको वोट देना है, वहीं फिर महिलाएं भी वहीं जाके वोट आती हैं। क्या आपको भी, आपको या कुमकुम, आप भी इस पे जवाब दे सकती हैं, क्या आपको भी जब आप इलेक्शन कवरेज कर रहे थे, क्या आपको भी ऐसा लगा कि महिलाएं अपना, अपने आप से ये फैसला नहीं कर पाती हैं कि उन्हें, जैसे आपने कहा, स्मार्टफोन नहीं है, डेटा नहीं है, शायद जानकारी उन तक नहीं पहुंचती, हालांकि वोट सबको चाहिए महिलाओं के, लेकिन जानकारी नहीं उन तक पहुंच पाती। तो जो भी घर के पुरुष जो फैसला करते हैं किसको वोट करना है, वहीं वहां भी वोट देती हैं, क्या आपका भी ऐसा मानना है या आपने भी ऐसा देखा है अपनी कवरेज के दौरान? कुमकुम, कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, तो हेलो, गुड इवनिंग, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही, आ रही। हाँ, मैं इस पे कहना चाहूंगी, मतलब इसमें कि मैंने जब कवरेज किया अम्बेडकर नगर जिले में चुनाव पे कवरेज कर रही थी, जिस दिन हो रहा था, तो ऐसे में कवरेज कर रही थी और मैं बाइट लेना चाह रही थी महिलाओं को, महिलाएं तो बात देने के, मतलब बाइट देने के लिए तैयार थी, बट उनके ही घर का, मतलब कोई मेंबर था, उसने मना कर दिया कि नहीं देना है। तो हमें, मतलब इसके अलावा भी काफी महिलाओं से जब मैंने बात करने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था कि हमारे घर वाले, मतलब वो खुल के नहीं बोल रही थी कि हमारे घर वाले जहाँ बोले हैं, मेरे हस्बैंड या घर वाले का नाम लेती थी, हम वहीं पे वोट किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये, मतलब होता है कि अभी भी जैसे कि महिलाओं को आगे आने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो, मतलब उनके जो घर की वो हो, उनके पति ही, मतलब पति या उनके घर वाले ही के इशारे पे जैसे भी वो करती हैं, मतलब। नहीं, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि हमने बहुत बहुत बारी चुनाव की रिपोर्टिंग करी है पहले भी, तो इसमें बहुत बदलाव आया है। ये बात सही है, घर में बैठ करके, मतलब महिलाओं से जब भी बात करें कि वोट किस तरह से, उनका नेता कैसा हो सकता है, किसको चुनना चाहेंगे, उनका नेता कैसा होना चाहिए, तो उनसे अक्सर ये निकल के आता है कि अभी घर में सलाह होगी और सलाह के बाद जो सब लोग कहेंगे, जिधर को कहेंगे उधर को जाएंगे, वही करेंगे। और लेकिन महिलाएं जरूर कह रही थी, लेकिन हुआ कुछ और है, मतलब बाद में कुछ और ही समझ में आया है। तो इसमें बदलाव भी देखा गया है कि जो पहले था कि घर के पुरुष ही तय करते थे कि किसको वोट करना है, लेकिन अब इधर बदल गया, बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, बदलना स्टार्ट हो गया है इस बारी के चुनाव में, तो समझ में आया ही। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा महिलाओं के मुद्दों से थोड़ा हम और मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं। तो खासकर क्योंकि आप लोग ग्रामीण इलाकों से रिपोर्टिंग करते हैं और उत्तर प्रदेश
थोड़ा इसके लिए जाना भी जाता है, कुछ मध्य प्रदेश भी इसके लिए जाना जाता है कि अक्सर ग्रामीण इलाकों में कोई ना कोई हिंसा की घटना हो जाती है चुनाव के दौरान। कभी राजनीतिक दल के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, बूथ कैप्चरिंग होती है इलेक्शन के टाइम पे, खून खराबा भी कभी कभी हो जाता है। तो क्या आपको कभी अपनी रिपोर्टिंग में ऐसा कोई वाक्य आपने कभी कवर किया हो, या अपनी रिपोर्टिंग के लिए आपको कभी आपको लगा हो कि आप किसी ऐसी जगह पे रिपोर्टिंग कर रही हैं जहां पे आपको किसी खतरे का सामना करना पड़ सकता है, या अपनी रिपोर्टिंग के लिए अगर आप अपनी रिपोर्टिंग में कुछ ऐसा दिखाएं, सच जाहिर करने की कोशिश करें, तो उसकी वजह से आपको किसी तरह का धमकी या डर, ऐसा कुछ माहौल आपके लिए वहां पे बनाया जाए, तो इसके बारे में अगर आप कुछ, दोनों मीरा आप और कुमकुम को अगर आप अपने विचार इस पे हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। मेरे ख्याल से बहुत ऐसा होता, अमूमन होता है, ये तो होता ही रहता है, और ये चुनाव बस की बात नहीं है, ये ऐसे भी होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं बात करना चाहूंगी कि अगर मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में तो ये तो होना ही होना है, जहाँ तक ये डर का माहौल बनाना या धमकियां मिलना या और भी कुछ, मतलब कि कई अलग अलग तरह से ट्रोल करना, ये सब तो होता ही है चुनाव के समय। हाँ, ये बिल्कुल रहा है कि कई बार ऐसे हुआ कि कई पार्टियों के जो कैंडिडेट थे एक दूसरे को, मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन था कि अपने को सबसे अच्छा उम्मीदवार दिखाने के लिए, सबसे अच्छा विधायक बनने के लिए या अच्छा नेता बनने के लिए लोग एक दूसरे को करते हैं टारगेट, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो घटनाएं भी हो गई हैं हमारे यहाँ, तो मैं चित्रकूट और बांदा की बात करूं, जहाँ पर हमने वैसे तो पूरा बहुत एरिया का किया है, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जिलों में, तो जहाँ पर एक मैं हूँ और यहाँ पर एक मामला आया था कि कांग्रेस की महिला कैंडिडेट थी और उनको वो मतलब काफी पहली बारी कड़ी थी उम्मीदवार बनी थी और उनको बहुत लोग दे थी और लोग उनको बहुत मतलब भावी नेता के रूप में या विधायक के रूप में देख रहे थे और लोग काफी सपोर्ट कर रहे थे। दूसरे पार्टी के नेता गए उसी गांव में, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे उसी गांव में, वो भी गए और दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया, मतलब लड़ाई होने लगी, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे, महिला के ऊपर ज्यादा ही कुछ किया गया महिला होने के नाते, मतलब कि मारपीट जैसे का मामला भी सामने आया, हमने इसको कवरेज किया। तो इस तरह के मामले होते जरूर है, मतलब एक दूसरे को नहीं, सबसे जो मतलब लोगों को गिराना है तो उनके पर्सनल लाइफ में जाकर के कीचड़ उछालना है, सोशल मीडिया में किस किस तरह की बातें करना है ताकि वो ऑर्डिनेशन हो जाए, वो हताहत हो जाए, गिर जाए, और मतलब कि लोग भी उनके उनके लिए जो एक सम्मान की तरह से देखते हैं वो चीजें हट जाए और वो पूरा वोट बैंक कहीं ना कहीं उनकी तरफ हो जाए। तो इस तरह की चीजें होती हैं और हुई भी हैं, बहुत ऐसे हुआ है। कुमकुम, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगी? हाँ, मैं मेरे जैसे कि अभी नीरज जी ने बताया कि उधर चित्रकूट में हुआ था, सेम ऐसे ही अयोध्या में 5 विधानसभा है और 5 में एक जो विधानसभा गोसाईगंज, वो बहुत ही ज्यादा चर्चित रहा है इस विधानसभा के चुनाव में। तो यहाँ पे, हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलिए बोलिए। तो यहाँ पे जो गोसाईगंज विधानसभा था, तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा चर्चित इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो सपा और भाजपा के दो कैंडिडेट थे, सपा से थे जो और भाजपा से थे, दोनों बाहुबली टाइप्स नेता थे, तो मतलब दोनों में बहुत ज्यादा टक्कर की लड़ाई थी और इसके चलते कई बार गोली मारी भी हुई, मतलब एक दूसरे के कार्यकर्ता भिड़ भी गए, यहाँ तक मतलब कि अरेस्ट भी होना पड़ा विपक्षी पर, और
इसका जो मतलब इफेक्ट पड़ा वो जनता पे, और जैसे दूसरी पार्टी को लग रहा था कि ये पार्टी जीत गई, मतलब एक पार्टी को लग रहा था भाजपा की जीत जाएगी कंफर्म है, लेकिन ये इस झगड़ा और ये गोली मारी, ये आपस में भिड़ंत की वजह से वो लास्ट में पार्टी हार गई। तो कहीं ना कहीं मतलब जनता के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ा और मतलब असर पड़ा, जिससे उनको भी लगा कि कई लोगों ने ऐसे सामने ही बोल दिया था कि अभी ऐसा हो रहा है, जीतने से पहले ऐसा कर रहे हैं तो बाद में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हुआ, काफी हुआ है। और भी एक विधानसभा है रुदौली, वहां भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। जी, तो ये जो आपने एक बात कही कि ऐसे दो बाहुबली नेता थे, तो इसी से मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है, क्योंकि ट्रेंड देखा जाए और आंकड़े देखे जाए तो वो तो यही कहते हैं कि इलेक्शन कि ज्यादा से ज्यादा नेता जो चुनकर आ रहे हैं, चाहे हम 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसकी बात करें या अभी विधानसभा के इलेक्शन में, जो ऐसे नेता चुनकर आए हैं जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल केस है, वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक तरह से माना ये जा रहा है कि मतदाता भी प्रिफर कर रहे हैं कि कोई बाहुबली नेता हो जो चाहे कानून के माध्यम से या गैर कानूनी तरीकों से उनके काम करवा दे, तो ऐसे नेताओं को लोग प्रिफर कर रहे हैं। तो आपकी कवरेज में या आपने जो लोगों से बात करी जमीन पर, क्या आपको ऐसा लगा कि अगर किसी के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो लोगों के साथ एक्चुअल में ऐसे लोगों को प्रिफर करते हैं, उनको लगता है कि हमारा काम करवा देंगे ये लोग, तो ऐसे नेताओं की छवि के बारे में और लोगों की मानसिकता उनके बारे में आप अगर कुछ इस पे कुछ रोशनी डाल पाए तो, मीरा और कुमकुम। लोग जानते हैं उनको, मतलब उनकी छवि तो पहले से ही बनी होती है और लोग अच्छे से जानते हैं उनके बारे में। मुझे लगता है कि इसके बारे में और भी काम करना चाहिए निर्वाचन आयोग या और भी की सरकारों को, कि ऐसे नेताओं का आना मतलब उनके लिए, सबके लिए और सबके लिए तो ठीक है, लेकिन जनता के लिए ये ठीक नहीं है। कैसे उम्मीद करेंगे लोग? अगर मैं यहाँ चित्रकूट की बात करूँ तो कई ऐसे कई हमारे यहाँ से एक विधायक हुए हैं जो सपा से हैं, पहली बारी हैं उनकी और बहुत यंग हैं, और बहुत लोग उनकी छवि से परिचित हैं कि लोग उनको किस तरह से एक समाज सेवी के रूप में देखते हैं और जानते हैं, और सीधे से लोग मिलते हैं मतलब। और जो ऐसे लोग हैं जो बाहुबली टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों का संपर्क जो कि होना चाहिए वो नहीं हो पाता, लोग नहीं बात कर पाते, लोगों की जो भी समस्याएं हैं लोग वो लेकर के नहीं जा सकते, डायरेक्ट उनसे बात नहीं हो सकती। यहाँ तक कि सिर्फ हम मतदाताओं की और लोगों की बात ना करें, ऐसे लोग मीडिया के लोग भी उन लोगों से बात करने के लिए मतलब कि अगर कहीं उनसे इंटरव्यू करना है, बाइट करना है तो चक्कर लगाते रहते हैं। तो वही मैं कहती हूँ ना कि इस तरह की जो छवि वाले हैं जो कैंडिडेट हैं उन पर मारियारों को, निर्वाचन आयोग को जरूर से काम करना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, कहते तो हैं कि वो काम कर रहे हैं लेकिन रियल में कितना कर रहे हैं वो तो सबके सामने है। कुमकुम, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? जैसे कि अभी मीरा जी ने आया कि इस पे सरकार को और निर्वाचन आयोग को काम करना चाहिए, तो आई थिंक मेरे हिसाब से भी सही है कि इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं वो मतलब जैसे दो बाहुबली लड़ रहे हैं तो कोई ना कोई एक जीतेगा है ही, लेकिन जो उनकी छवि है जिस टाइप के वो हैं मतलब पहले से, तो उससे जो लोगों का रहता है मतलब वो तो कहीं ना कहीं मतलब वो सरकार को इस पे, क्योंकि अभी जो पिछले पिछले लिस्ट में हुआ था कि कई ऐसे क्रिमिनल कैंडिडेट थे जिसको सरकार ने प्रेजेंट पास्ट में जो सरकार थी उसने हटा दिया था, उनको वोट नहीं दिया था,
तो इस पे सरकार को और निर्वाचन आयोग को काम करना चाहिए और शायद कहीं ना कहीं काम भी इस पे चल। ठीक है, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक हम बात करना चाहते हैं आजकल जो बहुत न्यूज में भी रहता है और वो ये है कि इलेक्शन में खासकर, मतलब वैसे तो चुनावों के समय अफवाह का फैलना ऐसी कोई नई बात नहीं है, तो हमेशा से ही होता आया है। कई बार विरोधी दल भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ अफवाहें फैला देते हैं, लेकिन अब क्योंकि फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन अफवाहों का बाजार कुछ ज्यादा ही गर्म रहता है आजकल, तो आप क्या आपकी रिपोर्टिंग में भी आपने यह देखा, नोटिस किया कि किसी तरह की कोई फेक न्यूज फैलाई जा रही है इलेक्शन के टाइम पे, उससे लोगों को बहकाया जा रहा है या लोगों को कम्युनल पोलराइज किया जा रहा है, सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, उसके हिसाब से अगर और आपके हिसाब से क्या कोई रोल रहा फेक न्यूज का इलेक्शन के डिसीजन पर, चाहे वो ओवरऑल स्टेट का इलेक्शन हो या किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का किसी भी एक उसमें विधानसभा में, तो और या फिर अगर आप कोई उदाहरण देना चाहें कि इस तरह की फेक न्यूज सर्कुलेट हो रही थी जो आपने भी देखी, कोई फेक न्यूज या कोई अफवाह जिसको बहुत लोग सही मान रहे थे, तो इस तरह का अगर आपने कुछ अपनी इलेक्शन कवरेज में देखा तो उसके बारे में आप प्लीज हमसे शेयर करें। कुमकुम शुरू कर सकते हो, फिर मैं ऐड करती हूँ। हाँ बिल्कुल, ये जो विधानसभा 2022 का चुनाव रहा इसमें काफी फेक न्यूज़ें मतलब देखने को भी मिली, और ऐसे मैं कवरेज कर रही थी, एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। अयोध्या में अखिलेश यादव जी आए थे तो वहाँ पे मतलब उनका रोड शो चल रहा था और नारे लगाए जा रहे थे मतलब जिंदाबाद और वगैरह, तो उसमें मतलब कभी कुछ गलत वो नहीं निकाला गया कि जाने के बाद वीडियो वायरल हुई कि उसमें कोई एक था कि लगा रहा था कि पाकिस्तान जिंदा, वो वीडियो जब उस जांच की गई कि मतलब वो फेक थी और उसको एडिट करके मतलब जोड़ा गया था उसमें। तो इसके अलावा ऐसे और था कि जब मतदान हो गया फिर वोटिंग हो रहा है तो वोटिंग अभी चल ही रहा है और मतलब लोगों में ये मतलब लोगों में फैला दिया गया कि अयोध्या से ये कैंडिडेट जीत गए, जबकि वो पीछे ही चल रहे थे, और लोगों में कई कई जगह पे तो लोग खुशियां भी मनाने लगे थे कि ये जीत गए हमारे कैंडिडेट, जबकि ऐसा नहीं था, जीता कोई और था, और मतलब दिखाया मतलब चला दिया गया न्यूज फेक न्यूज की कोई और है। तो इस तरह की मतलब जो न्यूज थी चुनाव में देखने को मिली फेक न्यूज। हाँ बिल्कुल, फेक न्यूज का तो बिल्कुल बाजार ही गर्म हो जाता है, मतलब कि किसी भी तरह से मतलब बड़े स्तर पे आप मतलब कि राज्य स्तर पे बात कर लीजिए, सूर्या का जो पूरा इंडस्ट्री है वहां पर तो मतलब कि इतना ज्यादा ये सब चलता है फेक न्यूज, किसी भी तरह कहाँ की वीडियो कहाँ पर लगा देना, कहीं का भाषण कहीं गा देना, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत पहले हुई हैं और उनको अब जाके दिखा देना, इस तरह की चीजें तो रहती हैं और लोगों को नहीं पता ना, जो लोग सोशल मीडिया में हैं और लोग देख रहे हैं उनको नहीं पता और वो लोग तो सीधे से यही मान लेते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ये बात सही है। हमारी रिपोर्टिंग के दौरान कई ऐसे मामले आए जिन पर हमने कवरेज भी किया कि जैसे कि मैं बताऊं उदाहरण के रूप में कि जब टिकट का वितरण हो रहा था और सब लोग टिकट के लिए लखनऊ में थे, उस समय जब टिकट बंटवारा हो रहा था मतलब सॉरी टिकट मिल रहे थे, तो उस समय बहुत मतलब कि हर कोई जल्दी जल्दी कौन मतलब किसकी फेसबुक में बात सबसे पहले आए और सोशल मीडिया में मतलब ट्विटर पे किसके माध्यम से सबसे ज्यादा पहले सबसे पहले पता चले कि किसको टिकट मिल गया है यहाँ से विधानसभा की विधानसभाओं से चित्रकूट की विधानसभाओं से या जो भी जिले हैं उन सब की, तो सब ऐसे ही कर रहे थे। हमारे यहाँ एक मामला ये हुआ कि
बांदा की 4 विधानसभा में से एक विधानसभा जो नरेनी सुरक्षित सीट है वहां पर जो सपा सीट में किसी एक व्यक्ति का नाम आया, मतलब मंत्री का नाम आया कि उनको टिकट मिल गया, और फिर इसमें काफी घमासान होता रहा और फिर वो टिकट किसी और को मिल गया, महिला कैंडिडेट को। तो हमने लिखा जब इसको कि महिला कैंडिडेट को मिल गया तो सब लोग, मतलब कि सब लोग मंत्री जी को चलाए जा रहे हैं, और हमारी न्यूज में था कि हमने लिखा था कि महिला कैंडिडेट को मिला हुआ है, महिला को मतलब मिला हुआ है ये टिकट। सब लोग मतलब कि इतना हमारे आकर के सोशल मीडिया में ही इतना कमेंट करने लगे या हमको फोन करके कहने लगे। हम भी पता कर रहे थे, हमारी तो उन महिला से बात हुई थी तब जाकर के हमने उस पर रिपोर्टिंग करी थी, लेकिन फिर भी लोग मान रहे थे, इतना सब कुछ कर रहे थे। बाद में जब उन्होंने मतलब नामांकन में तक पर्चा भरने तक, उसके बाद प्रचार प्रसार सब होने तक भी लोग हमको बार बार ट्रोल कहते रहे, लेकिन लास्ट में यही हुआ कि वही कैंडिडेट रही। लेकिन इतना मतलब कि भरोसा नहीं होता है लोगों को हैं कि ये जो बातें फैलाई जा रही थी कि मंत्री जी को टिकट मिल, लोग मान रहे थे कि मंत्री जी को टिकट मिला हुआ है, लेकिन क्योंकि खबर लहरिया पर भी लोगों का भरोसा है तो उधर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि है तो पर ये कैसे हो गए। तो इस तरह की चीजें रही। दूसरा एक और उदाहरण रहा कि यहाँ के जो एक बीजेपी से विधायक थे, मतलब वो कैंडिडेट थे सॉरी बीजेपी से, अब उनको कहा गया मतलब लास्ट तक जब चुनाव आते आते मतदान होने के आते आते भी ये कहा गया कि वो सपा में शामिल होने वाले हैं, और इसको लेकर के इतनी ज्यादा अफवाहें बातें सोशल मीडिया पर चलती रही। लास्ट में फिर जाकर के जब कवरेज हुई ये खबर और फिर निकाला गया और उन्होंने खुद में अपना वीडियो डाला, तब जाकर के ये मामला सामने। तो मतलब उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फेक न्यूज चलती चलती है और बहुत ही ज्यादा चलती है, ताकि लोगों का मन बहलाया जा सके, मतलब उनका मन मोड़ा जा सके। जो वोटर हैं उनको उनका जो मन है मूड है उसको बदला जा सके, ये सब बहुत होता है, बहुत ही ज्यादा। और ये सिर्फ बड़े स्तर की बात, मतलब सोशल मीडिया स्तर की बस बात नहीं है, ये लोकल स्तर में भी होता है और लोग सही मान लेते हैं उसको। हाँ जी बिल्कुल, काफी काफी इंटरेस्टिंग उदाहरण आपने शेयर करे। क्योंकि आप टिकट की बात कर रही थी तो वहां से मुझे एक और बात का ख्याल आया, वो ये कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में खासकर हमने देखा कि बहुत से लोग, आई थिंक शायद इससे पहले हमने बंगाल के इलेक्शन में ऐसा देखा था पिछले साल, कि बिल्कुल इलेक्शन से पहले बहुत से लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी छोड़ के तीसरी पार्टी चौथी पार्टी, ऐसे बहुत हुआ। तो उसके बारे में मतदाताओं का क्या सोचना है, क्योंकि इस बार भी बहुत हुआ, वो दोनों बीजेपी सपा दोनों में ये हुआ, यहाँ के नेता छोड़ के वहां, वहां के यहाँ। तो उसमें क्या कुछ, जब आप लोग जमीनी स्तर पर रहे थे, क्या इन चीजों के बारे में भी लोग चर्चा करते थे, इसको लोग कैसे देखते हैं कि जो बिल्कुल इलेक्शन के समय में एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जाते हैं, इसके बारे में लोगों का क्या सोचना है? अगर आपने इस पे कोई कवरेज करी हो या आपके लोगों से इस बारे में कोई बात हुई हो तो प्लीज शेयर करें हमारे साथ। जरूर, ये मैं उतना तो, क्योंकि जो लोग ग्रामीण स्तर पर हैं उनको तो ये नहीं है, उनको तो बस ये है जो खासकर अगर, क्योंकि हम महिला है, हमारा नजरिया है नारीवादी है, उस हिसाब से ही अगर हम सोचते हैं। तो अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं से तो इससे लेना देना नहीं है, उनको तो बस वोट करना। लेकिन कुछ लोग जो है जो थोड़ा राजनीति में चॉइस रखते हैं, वो लोग बहुत नाराज भी होते हैं, वो समझते हैं ऐसा नहीं है, ये सब जो हो रहा है ना, सब लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, मतलब सिर्फ अपने लिए, अपने भले के लिए, ना कि जनता की भले के लिए। मैं बात करूंगी पिछले विधानसभा चुनाव
और लोकसभा चुनाव की, तब मैं कवरेज कर रही थी। और हमारे यहाँ के एक सांसद, विधायक, मंत्री सब रह चुके हैं, आरके पटेल जी। उन्होंने इतनी ज्यादा मतलब पार्टियां, पहले बसपा में, फिर सपा में, फिर बीजेपी में, फिर सपा में, फिर मतलब इस तरह से कई उन्होंने बदला। और जब मैं उनको इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने कहा, मतलब मेरा सवाल यही था कि लोग तो आपको मतलब एक नेता के रूप में देखते हैं, बीएसपी का नेता के रूप में देखते हैं, या फिर सपा के नेता के रूप में देखते हैं, और फिर जब आप पार्टी बदल लेते हैं तो फिर जनता आपसे बहुत नाराज है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, जनता मुझसे नाराज नहीं है, जनता मुझसे खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं कि जिधर को सरकार, मतलब जिधर की सरकार, जिधर हवा चल रही है, सॉरी, जिधर हवा चल रही है उधर को ही वो जा रहे हैं। तो ये उनकी जो एक दो मतलब दो टूक की बात है ना, वो बिल्कुल सही है कि ये जो हो रहा है ना इस समय, और टिकट के समय की, मतलब कि अगर टिकट आप उनको किसी एक पार्टी से नहीं मिला है और उनको बहुत उम्मीद है होती है कि उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है। फिर अगर एक और उदाहरण के रूप में बांदा में ये हुआ कि तिंदवारी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके जो विधायक रहे हैं, वो उनको ये था कि उनको टिकट नहीं मिलने वाला शायद दोबारा से बीजेपी से, तो उन्होंने सपा ज्वाइन करी और सपा में जाकर के उन्होंने टिकट की उम्मीद की, लेकिन उनको नहीं मिला टिकट। इसी तरह से और बहुत दिग्गज एक नेता थे जो कांग्रेस के थे, वो भी तिंदवारी क्षेत्र विधानसभा से थे, लेकिन वो कांग्रेसी थे, बहुत सालों से उनको लोग कांग्रेसी नेता के रूप में, बहुत जनप्रिय नेता के रूप में देखते थे, लेकिन उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन करी तो लोग बहुत गुस्सा हो गए, बहुत नाराज हो गए, और फिर उनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिल जाएगा बीजेपी से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। फिर तो ये है कहने का मतलब कि जो ये नेता है, जो ये जो सिर्फ वही जो बात है ना कि जिधर को हवा बह रही है उधर को ही जाएंगे, मतलब अपने को देखते हुए वो जाएंगे जिस भी पार्टी में, लेकिन जनता उससे कितना खुश है, कितना नाराज है, उनके लिए कितना फायदेमंद है, जनता किस तरह से उनको देखती है, वो भी उसको शायद उतना महत्व नहीं दिया जाता है, उस तरह से नहीं दिया जाता, जबकि वोट उनको चाहिए चाहिए, वोट तो चाहिए चाहिए, लेकिन वो कितना खुश है इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। और किस तरह की उम्मीदें हैं एक बीजेपी नेता होने के नाते, किस तरह की उम्मीदें हैं, और फिर एक बीजेपी नेता सपा नेता जब हो जाते हैं तो किस तरह की उम्मीदें रह जाते हैं, इसका ख्याल उनको बिल्कुल नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुमकुम, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगी? जब मैंने इसमें रिपोर्टिंग किया था, मतलब जब लोग पार्टियों से मतलब जा रहे थे, दल बदली कर रहे थे एक दूसरे में, तो काफी लोगों ने बताया कि मतलब लोगों का यही कहना था कि नेता हैं, मतलब इनका मतलब कोई एक फिक्स पार्टी नहीं होती, और फिर ये अपने फायदे, जैसे कि अभी मीरत जी ने बताया ही कि अपने फायदे के लिए करते हैं। और ये भी कुछ लोगों का ये भी रहा कि हाँ, शायद उनको वहां से टिकट नहीं मिलेगा, उन्होंने जैसे एक नेता थे उनसे, उनको लेके काफी चर्चा लोग कर रहे थे कि उन्होंने काफी काम नहीं किया है और इसलिए अब वो वहां पे मतलब भाजपा में उनको टिकट नहीं मिला, इसीलिए वो सपा में शामिल हो गए। तो लोगों का जो वो था कि मतलब लोगों का जो कहना था तो कहीं ना कहीं सही भी हुआ, और जिस पार्टी में वो गए भी वहां से भी उनको वोट नहीं मिला, मतलब सॉरी, उनको टिकट नहीं मिला। तो हाँ जी, तो यहीं से फिर चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, एक जब हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे तो एक और ख्याल मेरे मन में आया, वो ये था कि कुछ ऐसे उदाहरण भी सामने आए कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा कैंपेन चलाया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नाम से, और फिर उन्हीं के कैंपेन की जो कुछ महिलाएं थी जो कैंपेन में सबसे आगे आगे थी, वही बाद में पार्टी छोड़कर फिर शायद बीजेपी या दूसरी पार्टी में शामिल हो गई थी।
एक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जमीनी स्तर पे कांग्रेस के उस कैंपेन का जो काफी महिलाओं पे फोकस था, क्या उसका कुछ असर रहा? क्योंकि उनका उनका प्रदर्शन तो खैर खराब ही रहा, लेकिन क्या जो कैंपेन उन्होंने चलाया, और ऐसा भी लोगों का कहना था कि उनके कैंपेन के चलाने से कुछ महिला लीडर्स को आगे आने का मौका मिला और फिर दूसरी पार्टियों में वो चली गई, तो इस पे आपके कुछ, अगर ग्राउंड पे जमीनी स्तर पे आपने इस पे कुछ चर्चा करी हो, लोगों का कुछ सोचना हो इसके बारे में, तो प्लीज शेयर करिए। हमने तो इस पर सीरीज ही की थी। हाँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसको लेकर के हमने कई महिलाओं को इंटरव्यू किया था और ये काफी अच्छा लग रहा था सुन करके, देख करके। ये जो टाइटल भी प्रियंका जी का था वो भी बहुत अच्छा था और काफी लुभावना था महिलाओं के लिए भी। और महिलाएं बहुत आगे आई यहाँ पर। अगर बांदा और चित्रकूट की बात की जाए तो बांदा में 4 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा से महिलाओं को टिकट दिया गया कांग्रेस से, और चित्रकूट की 2 विधानसभाओं में से 1 महिला को दिया गया टिकट। और वो महिलाएं भले ही देखिए, ये हार जीत तो होती ही है, वो महिलाएं नहीं जीत पाई, लेकिन जिस तरह से आगे आई और जिस तरह से उन्होंने अपनी, मतलब एक तरह का मौका मिला राजनीति में आने का, अपनी बात रखने का, वो तो रहा, बहुत अच्छा रहा उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं ने बात करी। आपने बात करी है कि वो बाद में दूसरी पार्टी में शामिल हो गई। हाँ, बांदा का एक केस रहा है जो शायद आप बात कर रही हो, संपत पाल, जो गुलाबी गंग की कमांडर हैं, वो कांग्रेस में थी, उनको उम्मीद थी कि शायद उनको टिकट मिलेगा। जो भी रहा है उनका अपना पर्सनल मामला है कि जो भी रहा है उनको नहीं टिकट मिला कांग्रेस से, लेकिन महिलाओं के लिए काफी अच्छा रहा है, महिलाएं इसमें आगे आई, उनको मौका मिला जिनको उम्मीद नहीं थी कि वो कभी उनको मौका मिलेगा इस तरह से, तो अच्छा रहा है। कुमकुम, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? इस बार जो विधानसभा का चुनाव रहा 2023 में, इसमें काफी महिलाएं आगे आई थी, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही, कांग्रेस पार्टी ने अधिकांश, मतलब बहुत अपनी पार्टी से काफी महिलाओं को टिकट भी दिया था। चाहे वो अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भी अयोध्या से मिला था, और इसके अलावा यहाँ से अम्बेडकर नगर से 3 विधानसभा क्षेत्र से मिला था महिलाओं को। तो महिलाओं का जो प्रदर्शन रहा काफी अच्छा रहा अम्बेडकर नगर में, तो दूसरे तीसरे नंबर पे महिलाओं का वो नंबर भी रहा, और काफी वो अच्छा, मतलब अच्छी लड़ी भी, और गांव में जो जिस तरह से वो आगे आई लोगों के साथ, उनका लोगों से बातें करना, लोगों को समझाना, मतलब कहीं ना कहीं जो इनका था कि इनका ये वो था कि लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ, तो बहुत अच्छा रहा। और महिलाओं को लगा भी, कुछ महिलाओं को लगा भी ये अच्छा है। और इसमें मतलब तो यहाँ की जो हम बात करें अगर टांडा क्षेत्र की, तो यहाँ पे सबाना खातून थी, ये दूसरे नंबर पे थी, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 2500 वोटों से मतलब रह गई, नहीं तो वहां से कांग्रेस की सीटें एकदम कंफर्म थी, जीत जाती। और काफी उन्होंने काफी मतलब बहुत ज्यादा मेहनत भी किया था, लोगों के संपर्क में आई, और लोगों से जो उनका कनेक्शन था काफी अच्छा था, स्ट्रांग हो गया था। जी जी, तो यहाँ पर मैं एक बारी जरा रुक कर बोलना चाहूंगी कि हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर आप में से कोई मीरा या कुमकुम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल पर मैसेज भेज सकते हैं, हमने जो ट्वीट्स करे हैं उनमें रिप्लाई कर सकते हैं, आप खबर लहरिया के साथ शेयर हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वन वोट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो किसी का भी कोई सवाल हो, क्योंकि अब आखिरी के 10-12 मिनट रह गए हैं चर्चा के,
तो किसी का कोई सवाल हो तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करिए, तब तक हम चर्चा को जारी रखते हैं। तो मीरा जी और कुमकुम, मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में मतलब इसको जो है ऐसे देखा जी, जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वहीं से शायद शुरुआत हुई, और फिर सबसे ज्यादा अगर तो भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक भाषण और ये 80 बनाम 20 और ये सब जो बातें करी गई, तो ये और खैर जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो पहले से ही ऐसे इस तरह के भाषण देते आए हैं। और इन इन चुनावों में कुछ तो ऐसा भी था कि एक्सपेक्टेड ही था कि ऐसा होगा, लेकिन उसका आपने क्या असर जमीन पर, खासकर अगर हम औरतों की बात करें तो औरतों पर इस तरह के सांप्रदायिक भड़काऊ भाषणों का कितना असर रहता है, क्या वो भी इन सब मुद्दों पर चर्चा है, या ये सिर्फ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे पुरुष ही ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है, हमारे साथ भी शेयर करें। देखिए, जब हम लोग अयोध्या अम्बेडकर नगर में और गोरखपुर में कवरेज कर रहे थे चुनाव के दौरान, और हम ज्यादातर हमारा फोकस था कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के एरिया हैं वहाँ पर जाकर के कवरेज करना, वहाँ पर फोकस करना, वहाँ पर बात करना, तो ये चीज है ना, जो ये हेट स्पीच की बात कर रहे हैं, इस पर महिलाएं भी बात कर रही थी, वो भी समझ रही थी, वो भी जान रही थी। अगर धर्म के मुद्दे, धार्मिक मुद्दों की बात की जाए जो चुनाव में बहुत इस्तेमाल हुए हैं, उनमें मैंने भी बहुत बढ़ चढ़ के बात करी है, बहुत बोला है कि ये बहुत गलत हो रहा है, इस तरह से बात नहीं होना चाहिए, और उनको मतलब कि उनको मंदिर नहीं चाहिए, उनको जब हम, क्योंकि हमने जो कवरेज किया अयोध्या में, गोरखपुर में, ये जहाँ पर मंदिर बनने के, राम मंदिर बनने की बात है, और उनकी जो जिनकी जमीनें जा रही हैं लोगों की, वहां पर हमने बात किया, लोगों ने बहुत खुल करके बोला, बातचीत किया कि उनको नहीं चाहिए, उनका पेट थोड़ी ना मंदिर से भरेगा, वो तो किसी और का पेट भरेगा, किसी और के लिए है। और जिस तरह की बातें भी की जाती हैं इनको लेकर के, धर्म को लेकर के, वो सारी बातें महिलाएं भी समझ रही थी, जान रही थी, और वो कैसे समझ रही थी, जान रही थी, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि बहुत एक यूथ का ग्रुप है जो इन सब चीजों में बहुत जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं महिलाओं के बीच में, और जो गांव में लोग हैं जिनके पास जानकारी का अभाव है किसी भी तरह से, कि उनके पास, उनके घरों में टेलीविजन नहीं है, उनके घरों में स्मार्टफोन नहीं है, लाइट नहीं है, तो फिर इन सब की जानकारी वो जो ग्रुप है वो सब बता रहे हैं, और उसी से उनको जानकारी मिल रही है। तो हाँ, बिल्कुल बात करते हैं लोग, कर रहे थे लोग, और हाँ, आप हमारे चैनल में जाकर के देख भी सकते हैं किस तरह से लोग कितना बढ़ चढ़ के, कितना गुस्से के साथ बात कर रही हैं, महिलाएं, पुरुष, गांव के लोग। तो मीरा और कुमकुम, आप भी इसमें जोड़े, तो ठीक है, मैं ये बिल्कुल समझ सकती हूँ कि इसके लिए लोगों ने बात करी, लोगों में गुस्सा भी था कि इस तरह के मुद्दों को चुनाव में नहीं आना चाहिए, चुनाव जो है लोगों से जुड़े मुद्दे, उनकी रोजी रोटी उससे जुड़े मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन क्या फिर भी आपको लगा कि जब लोग वोट देने गए तो उस समय उनके, क्योंकि रिजल्ट से तो ऐसा ही लगता है कि जब लोग वोट देने गए तब उस समय ये सब चीजें जो जिस तरह के धार्मिक मुद्दे उठाए गए, सांप्रदायिक मुद्दे उठाए गए, अल्टीमेटली लोगों ने वोट फिर उन्हीं मुद्दों पर दिया, क्या आपको ऐसा लगता है, आपको आपने जो कवरेज करी उसके बेसिस पे? देखिए, एक अगर सीन बनती, अगर बात जाए कि ये सब होने के बावजूद भी लोग इतना
बातें कर रहे थे, बहुत ऐसे कह रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि कुछ बदलने वाले लोग खुद में कह रहे थे कि वो बदलाव चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, वो नहीं चाहती ऐसे सरकार जो इस तरह के जो रोटी कपड़ा मकान की बात ना करे, जो रोजगार की बात ना करे, जो महंगाई के लिए काम ना करे, जो पलायन के लिए काम ना करे, जो मतलब यहाँ के मुद्दे हैं स्वास्थ्य, कृषि, सब, चाहे आप जो भी मुद्दा ले लीजिए, जो लोगों के स्वास्थ्य से, जो लोगों के विकास से जुड़े हुए मुद्दे पर जो सरकारें या जो नेता बात नहीं करेंगे, उनको वो बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे। लेकिन हमें बाद में समझ में आया, जो हमारी रिपोर्टिंग से वो जो समझ में आया कि लोगों ने और किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों ने अनाज के लिए, मतलब जो राशन मिल रहा है सिर्फ उसके लिए उन्होंने वोट किया है, वही एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। कुमकुम, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगी? बिल्कुल, लोगों की मतलब जब चुनाव मतलब मतदान से पहले का मुद्दा, जैसे कि अभी मीरा जी ने बताया, यही रहा कि लोगों ने, चाहे वो यूथ है, मैं यूथ बीट पे ही काम करती हूँ, तो जब मैं यूथों से, लड़कियां हो लड़के हो, उनसे मैं बात की तो उनका यही रहा कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, तीन साल हो गए, काफी यूथ थे जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, उनका भी कहना था कि हमारी एज निकल जाएगी और हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं होगा, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब महिलाओं का भी काफी वो रहा, जैसे कि अन्ना जानवर भी रहे कि हमारे खेत बच नहीं रहे हैं, अन्ना जानवर सारे खा लेते हैं, तो उनका भी रहा, महंगाई ज्यादा है, और मुद्दे भी थे अलग अलग। इसके अलावा ये अयोध्या में एक गांव है, अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र भी की थी मीरा दी, कि यहाँ पे पूरा का पूरा गाँव, 3 से 4 गाँव है जहाँ पे हमने कवरेज किया है, कि पूरा पूरा गांव जा रहा वहां पे लगेगी, और ऐसे में लोग खुल के बोल रहे थे कि यार हमें मंदिर से खाना मिल जाएगा, हमारा पेट भर जाएगा, और हमें नहीं चाहिए ये, हमें हमारा जमीन दे दे, बस हमें यही चाहिए। लेकिन जब उनका वो जब मतदान किए, हाँ, उनका जो भी कुछ रहा मुद्दा, वो राशन ही आई थिंक हो गया, क्योंकि राशन ही एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। और इसके साथ साथ कुछ महिलाओं ने जब रिपोर्टिंग कर रहे थे मतदान के टाइम पे, तो उनका ये भी कहना था कि राशन मिल रहा है और क्या चाहिए हमें, और इसके अलावा उनको पैसे भी मिल रहा है श्रम कार्ड से, जो अब न्यू अभी अक्टूबर से स्टार्ट किया गया था, अक्टूबर नवंबर से, तो वो सब एक ही मुद्दा बन गया जाके वहाँ पे। जी ठीक है, तो हम जो है आखिरी के 3 मिनट में हैं, अगर अभी भी किसी का कोई सवाल है, अगर खबर लहरिया या वन वोट के पास किसी ने कोई सवाल भेजो, प्लीज आप शेयर कर दीजिए। अदरवाइज मैं मीरा और कुमकुम से यही बोलूंगी कि आखिर में इस चर्चा को खत्म करते हुए, काफी अच्छी चर्चा रही, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकल कर आए, ऐसी बातें जो जो अदरवाइज शायद नेशनल मीडिया में इतनी ना कवर हो, तो वो कुछ बातें यहाँ से निकल कर आई, खासकर महिलाओं की क्या विचार रहे, उन्होंने किस तरह से चुनाव को अप्रोच किया, उसके ऊपर आप लोगों के विचार रहे, काफी इंटरेस्टिंग रहे। तो लास्ट के दो मिनट में, एक एक मिनट में अगर आप अपना अनुभव शेयर करना चाहें 1 मिनट में, कि ओवरऑल उत्तर प्रदेश में चुनावों को कवर करने का, इस चुनाव को खासकर, अगर आपके हिसाब से ये वाले चुनाव चुनावों से अलग थे, तो वो आपके हिसाब से क्या रहा, लास्ट के 2 मिनट में अगर आप अपने विचार शेयर करना चाहे तो। बहुत अलग रहा है। मैं पहले बात तो कहूंगी कि कोविड के कारण जिस तरह से इसको पूरी तरह से पहले शुरुआत में टेक्नोलॉजी के थ्रू ही सब कुछ किया जा रहा था, कि तो लोगों को जानकारी नहीं मिल पा, जो मैं बात शुरू में भी कह रही थी कि खासकर गांव में जो लोग रहते हैं, जिनके हाथ में फोन नहीं है, जिनके घरों में टी हैं, जिनके यहाँ अखबार का कोई
मतलब जानकारी का कोई माध्यम ही नहीं है, उन तक जानकारी कैसे पहुंचेगी, कौन नेता है, कौन क्या कह रहा है, किस तरह की बातें की जा रही हैं, कब कब चुनाव हैं, क्या कहा जा रहा है, सरकारें क्या कह रही हैं, नेता क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से जो कर दिया गया था तो काफी लोग पीछे रह गए ये जानकारी पाने से। और महिलाओं को इसमें खासकर बहुत जानकारी की कमी रही, वो नहीं समझ पाए, क्योंकि पुरुष तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा हो करके बैठ करके बातचीत कर ले रहे थे, लेकिन और जो लोग भी थे मतलब कि जो कैंडिडेट थे वो भी कहीं ना कहीं ये था तो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी जाते गांव में तो एक ही जगह पे पुरुषों के बीच में बैठ करके ही बातें कर लेते, ना कि जो महिलाएं घरों में हैं, जो महिलाएं घर के अंदर हैं, उनको नहीं पता होता कि आखिरकार चुनाव को लेकर के अब तक में क्या हो रहा है। किस मतलब महिला को सिर्फ इस तरह से यूज करना कि वो सिर्फ वोट दे सकती है, मतलब एक वोटर है, लेकिन वोटर होने के नाते उसको किस तरह की जानकारी होनी चाहिए, क्या जागरूकता फैलानी चाहिए उनके बीच में, ये जिम्मेदारी किसी की नहीं थी, कोई ये जिम्मेदारी उठाने पर बात नहीं कर रहा था। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव देखा गया कि इस बारी जो मुद्दों की बात होना चाहिए, जो चुनावी मुद्दे बनने चाहिए, उनकी तो बात ही नहीं हो रही थी किसी भी तरह की, जो इतने बड़े मतलब कि चाहे आप जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, उस पर बात नहीं हो रही थी। और भी कोविड का इतना कहर था, लोगों ने 2 साल झेला, लोग महंगाई लगातार झेल रहे हैं, लोग बेरोजगारी, लोग जॉब के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो मुद्दे हैं मतलब जो लोगों की रोजमर्रा से जुड़े हुए, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जो रोटी कपड़ा मकान से जुड़े हुए वो मुद्दे, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा, उस पर तो बात ही नहीं हो रही थी इस चुनाव में, जो कि इसके पहले इस तरह से नहीं होता था। कोई मतलब कि चुनावी मुद्दा बनते थे, उन पर बात की जाती थी, उन पर वादे किए जाते थे, ये होगा वो होगा। इस बारी तो सिर्फ अपने ही कामों को गिनाया जा रहा था। अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो लगातार मतलब कि सरकारें बनी हैं, चाहे वो यूपी में रही हो, मतलब चाहे राज्य में हो, चाहे केंद्र में हो, और वो अपना ही गुणगान किए जा रहे हैं कि हमने देखो ये किया, हमने वो किया, ये किया, वो किया, फिर से आएंगे तो ये करेंगे, जबकि उसकी जमीनी सच्चाई किसी से छुपी नहीं है, जानते नहीं। वही बात जो मैं शुरू में कह रहे थे कि एक आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि हमने इतना इतना मतलब कि उजला कनेक्शन दे दिए, इतना हो गया, पहला फेस हो गया, दूसरा फेस चालू कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें हो रही थी। ये बहुत ही कि समझ में नहीं आ रहा था, बड़ा कंफ्यूजन था। मतदाता भी सोच रहे थे कि वो जाए तो जाए किधर, क्या बात करें, कैसे बात करें और क्या समझें इस चुनाव को। काफी काफी इंटरेस्टिंग बात कही आपने मीरा। कुमकुम, आप लास्ट वर्ड आपका, इसके बाद चर्चा को खत्म करेंगे। जी, ये विधानसभा मेरा पहला मतलब था, रिपोर्टिंग मैं इसमें कर रही थी, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले लोकसभा का किया था 2019 में। तो इसमें जो मुद्दा जो मुद्दे दिखने चाहिए थे, जो होने चाहिए थे, मैंने जो कवरेज किया था कि शुरू में लग रहा था ये मुद्दा होगा, चुनाव से पहले काफी मुद्दाएं थे कि सरकार ये मुद्दा करेगी, रोजगार पे सरकार बात करेगी, एजुकेशन पे बात करेगी सरकार, और महंगाई पे बात करेगी, लेकिन ये सब मुद्दा नहीं रहा। वो उनका था कि ये सरकार ने ये काम किए हैं, जैसे कि वो चाहे वो मतलब विकास पे काम किए, लेकिन उतना विकास का भी मुद्दा नहीं रहा है, और ज्यादातर जो लोगों के, जो यूथ पे लोगों के मुद्दे रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 साल में जो जहाँ जॉब भी कर रहा था वो सब उनका छूट गया, वो सब वहां से मतलब छूट गए उनके जॉब। और जो पढ़ाई, सबसे ज्यादा जो गांव में मैंने देखा कि गांव में महिलाएं भी पढ़ाई मतलब बच्चों की पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थी, उनका कहना था सरकार
को जब भी कुछ रैली निकालना होता, चाहे वो पंचायती राज चुनाव में भी ऐसा था कि चुनाव हो रहा था इससे पहले, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, और ये विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा हुआ था, तो उन पे भी जो उनके मुद्दे थे उस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं था। इसके अलावा महंगाई और ये सब विकास था ही, तो जो मुद्दे मैंने देखे इस कवरेज में और किया भी कि जो मुद्दे होने चाहिए सरकार के वो नहीं थे, और जो मतलब सरकार ने जो काम भी किए थे वो वही गिनाना कि हाँ ये मैंने काम किए हैं। और इसके अलावा जो लग रहा था कि बदलाव होगा, इस बार बदलाव होगा, बट वो हुआ नहीं, और कहीं ना कहीं लोगों में वो रहा कि हमें हम किस पे जाएं, इस पे जाएं, मतलब केंद्र में ये सरकार है तो राज्य में भी करे शायद कुछ बदले। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस बार और देख लेते हैं, शायद अभी थोड़ा विकास हुआ है तो इस बार मतलब रोजगार भी देगी सरकार, तो ये सब सामने आए। चलिए जोड़ूंगी कि इस बार हमें कि जिस तरह से जो रैलियां हो रही थी वहां पर हमने देखा कि जो हमारे पीएम है प्रधानमंत्री उनका बड़ा रोल रहा ये सब करने में, क्योंकि मुझे बहुत ये बहुत अलग लगा दिखने में, जो पहली बार ही हो रहा था कि कोई पीएम आकर के और विधानसभा चुनाव के लिए इतना अहम रोल निभा रहे हैं, तो ये भी ये मेरे ख्याल से सिर्फ उत्तर प्रदेश इलेक्शन में नहीं, जैसे मैंने कहा कुछ कुछ चीजें उन्होंने, जैसे बंगाल में जब इलेक्शन हुए थे पिछले साल तो वहां भी था प्रधानमंत्री जी ने खूब प्रचार किया था, ना सिर्फ प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर जी ने भी काफी वहां पे प्रचार किया था। वहां पे तो रिजल्ट वैसे नहीं रहे जैसे उन्होंने सोचे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद उनको फायदा मिल गया। और खासकर ये कुमकुम ने जो लास्ट में पॉइंट कहा कि ये भी जरूर लोगों ने सोचा कि अगर केंद्र में जिनकी सरकार है स्टेट में भी उनकी हो तो उसका शायद फायदा मिले, और ये एक पॉइंट है जो बीजेपी जब डबल इंजन की बात करते हैं तो वो भी इस पॉइंट को बारी बारी उठाते हैं। तो यहाँ पर हम अब इस चर्चा को खत्म करेंगे। मीरा कुमकुम आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा आज आपके साथ ये चर्चा करके, नए और इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आए विधानसभा चुनाव खासकर उत्तर प्रदेश। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश चुनाव तो एक ऐसा एक ऐसी पहेली है जिसको बहुत 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 सारी चर्चाएं चाहिए सुलझाने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा रहा आप लोगों से चर्चा करके, और बाकी सब भी जो हमारे साथ जुड़े आज इस चर्चा में अंत तक बने रहे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इस ट्विटर स्पेसेस को यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।